बार बार शेविंग करने की जरूरत ना पड़े इसलिए करें ऐसा। स्क्रब करें। अगर आप अपनी त्वचा को नियमित तौर पर स्क्रब करेगी तो यह आपको शेव करने के बराबर का ही रिजल्ट देगा। जब त्वचा से डेड स्किन निकल जाती है तो बड़ी ही आसान से शेविंग की जा सकती है। बार बार शेविंग। अगर आपको कम शेविंग करनी हो तो बार बार शेविंग करें। कई लोग कहते हैं कि इससे और ज्यादा बाल आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। कंडीशनर। कई लोग मानते हैं कि शेविंग क्रीम की जगह अगर आप कंडीशनर लगाएं तो इससे और भी अच्छी शेविंग होती है। इससे आपकी स्किन भी स्मूथ हो जाती है। रेजर। अच्छी तरह से शेविंग करनी हो तो अच्छा रेजर लें। इसके अलावा सस्ते रेजर ना खरीदने के बजाय एक अच्छा और महंगा रेजर खरीदें। देसी घी लगाकर पाएं चमकदार चेहरा और गुलाबी होंठ। ड्राई स्किन में नमी भरे। घी ड्राई स्किन को बहुत ही अच्छी तरह से नम करती है, क्योंकि यह त्वचा की कोशिकाओं तक जाती है। इसे लगाने के लिए पहले थोड़े से घी को हल्का गर्म कर लें और फिर शरीर में 5 मिनट तक मसाज करें। उसके आधे घंटे के बाद स्नान कर लें। चेहरे के लिए मॉइस्चराइजर का काम करें। यह आपके नाजुक चेहरे के लिए भी काम करती है। अपने हाथों में घी और पानी की एक सीमित मात्रा लेकर मिलाएं और उससे अपने चेहरे की मसाज करें। फिर 15 मिनट के बाद चेहरा ठंडे पानी से धो लें। घी को हफ्ते में 2-3 बार जरूर लगाएं, इससे चेहरा एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। चमकदार चेहरे के लिए। अगर आपको अपनी स्किन अंदर से बाहर चमकानी है तो घी लगाने से बेहतर उपाय और कुछ नहीं होगा। यह आपके प्राकृतिक ग्लो को अंदर ही सील कर देती है और चेहरे में नमी भरती है। इसे लगाने से आपकी त्वचा में जान आ जाएगी और उसमें चमक भर उठेगी। इसका गाढ़ा पेस्ट चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट के बाद इसे ठंडे पानी से धो लें। झुर्रियां मिटाए। यह एक बेस्ट एंटी एजिंग प्रोडक्ट है। अगर इससे रोजाना चेहरे की मसाज की जाए तो चेहरे की कोशिकाएं स्वस्थ बनेगी और आप जमवा दिखेंगी। डार्क आई सर्कल मिटाए। रात को सोने से पहले आंखों के नीचे घी लगा लें और दूसरे दिन सुबह सादे पानी से आंखों को धो लें। ऐसा रोज कीजिए और फर्क देखिए। थकी आंखों में फ्रेशनेस भरे। डार्क सर्कल मिटाने के साथ साथ यह आंखों की थकान को भी दूर करती है। यह आंखों के आसपास की त्वचा में जान भरती है और ब्लड सर्कुलेशन तेज करती है, जिससे आंखों को आराम मिलता है और थकान दूर होती है। फटे होंठों को ठीक करे। होंठों पर देसी घी का मसाज करने से पिगमेंटेशन तो दूर होगा ही, साथ में फटे होंठों की समस्या भी दूर होगी। अगर होंठ डार्क रंग के हैं तो वो गुलाबी हो जाएंगे। पहली बार ठीक से शेविंग करने के टिप्स। अपनी माँ से बात करें। हालांकि अपनी माँ से कुछ विषयों पर बातें करना थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन अगर आप फिर भी आप उनकी इसमें सलाह ले सकती हैं। आप उनसे पूछ सकती हैं कि आपको किस प्रकार का रेजर इस्तेमाल करना चाहिए या फिर कोई खास बात जो शेव करते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए आदि। वो आपको काफी अच्छे सुझाव दे सकती हैं। अच्छा रेजर। मार्केट में कई प्रकार के रेजर मिलते हैं, जिनमें से आप एक अच्छा वाला चुन सकती हैं। ऐसे रेजर चुनें जो महिलाओं के लिए ही बने हों और वह ब्रांडेड हों। पुरुषों के रेजर से बचें, क्योंकि उनके बाल मोटे होते हैं, जो कि आपकी त्वचा को खराब कर सकते हैं। तैयारी। पहली बार रेजर इस्तेमाल करते वक्त आपको नए रेजर का प्रयोग करना चाहिए। अपने पैरों और अंडाम को धोएं। उस पर शेविंग जेल लगाएं। इससे आप पूरी तरह से अनचाहे बाल हटा सकती हैं। जिस दिशा में बालों की बढ़त हो रही हो उसी डायरेक्शन में रेजर चलाना चाहिए। कितनी बार शेविंग करें। आपको जितनी बार जरूरत पड़े उतनी बार शेव करें। यह आपके सुविधा पर है कि आप कितनी बार शेव करती हैं। पर इतनी बार भी शेविंग नहीं करनी चाहिए कि त्वचा बिल्कुल छिल जाए। शेविंग के बाद। पहली बार शेविंग करने जा रही हूं तो आपको अल्कोहल फ्री शेविंग लोशन चुनना चाहिए, जिससे नमी त्वचा में ही समाई रह सके। शेविंग करने के बाद एक अच्छा लोशन लगाएं, जिससे त्वचा दर्द न हो। नमस्कार, माझ्या चैनलवर तुमचे स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला सांगणार आहे त्वचेची काळजी कशी घ्यायची। तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला तर तुमच्या मित्रांबरोबर व कुटुंबाबरोबर व्हिडिओ नक्की शेअर करा। सकाळी चेहरा स्वच्छ धुवून पातळ क्लेन्झर लावावे, नंतर परत नळाच्या पाण्याने धुवून मऊ रुमालाने टिपावे। कापूस अस्ट्रिंजंट मध्ये भिजवून चेहऱ्याला लावावे, तेलकटपणा कमी होऊन त्वचा मुलायम होईल।
मुरुमावर औषधी क्रीम लावावे। लवंग व मिरी तेलाचे थेंब असलेले कॅलमाइन मुरुमावर लावावे। दुपारी परत चेहरा सध्या पाण्याने धुऊन अस्ट्रिंजंट लावून मग क्रीम लावावे। रात्री सकाळी केल्याप्रमाणे चेहरा स्वच्छ धुऊन क्लेन्झर अस्ट्रिंजंट लावावे। मग क्लिअरसील सारखे औषध लावावे। मॉइश्चरायझरही लावता येईल। मुरुमे असल्यास ती कमी करण्यासाठी पुढील कृती करावी। मुरुमांना खूप हाताळू नये। ऑइल बेस क्रीम लावू नये। खूप तळण वगैरे तळू नये, कारण उडणारे तेल व धूर त्वचेसाठी योग्य नाही। ताणरहित आयुष्य जगण्याचा प्रयत्न करावा। आपण अजून माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा। सबस्क्राईबच्या बटणवर दाबा आणि नंतर घंटीचे बटण दाबा, म्हणजे तुम्हाला माझे येणारे नवीन व्हिडिओ सर्वात आधी पाहायला मिळतील। आणि माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करणे फ्री आहे। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। नमस्कार, माझ्या चॅनलवर तुमचे स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला सांगणार आहे सावळ्या त्वचेला तजेला देणारे उपाय। तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला तर तुमच्या मित्रांबरोबर व कुटुंबाबरोबर व्हिडिओ नक्की शेअर करा। लिंबू त्वचेसाठी फारच गुणकारी आहे। याचा प्रयोग वेगवेगळ्या फेसपॅकमध्ये करू शकता। दुधाच्या साईत लिंबाचा रस टाकून तयार झालेली पेस्ट चेहऱ्यावर लावावी। त्यानंतर 10 मिनिटांनी चेहरा गरम पाण्याने धुऊन घ्यावा। बीटच्या रसात टोमॅटोचा रस व चिमूटभर हळद मिसळून चेहऱ्यावर लावल्याने काळे डाग नाहीसे होतात। द्राक्षाच्या रसात मध टाकून चेहऱ्यावर लावावे। गुडघे व हाताचे कोपरे जर काळपट पडले असतील तर त्यावर लिंबाच्या साली घासाव्यात। आपण अजून माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा। सबस्क्राईबच्या बटणवर दाबा आणि नंतर घंटीचे बटण दाबा, म्हणजे तुम्हाला माझे येणारे नवीन व्हिडिओ सर्वात आधी पाहायला मिळतील। आणि माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करणे फ्री आहे। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बेसन के 5 फेस पैक बताने वाली हूँ, जिसे आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं और अपने चेहरे को दाग धब्बों से छुटकारा पा सकते हैं। आपका रंग गोरा हो सकता है, आपके पिंपल्स दूर हो सकते हैं, सन टैनिंग हुई हो तो वो भी दूर हो सकती है, आपके चेहरे पर एक्स्ट्रा ऑयल हो तो वो भी रिम्यूव हो जाएगा और आपके चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगेगी तो वो भी दूर हो जाएंगी। इस तरह से आप जो है 5 तरह के अलग अलग फेस पैक में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैंने मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है दोस्तों। बेसन के 5 फेस पैक आपको मैं बताने वाली हूँ, तो बेसन को दही में मिलाकर अच्छे से चेहरे पर लगाना है। आपको 1 चम्मच बेसन लेना है और आधा से एक चम्मच दही लेना है। गाढ़ा पतला दही हो तो उस हिसाब से कम ज़्यादा दही लग सकता है। अच्छे से मिला लेना है उसको और फिर चेहरे पर लगा लेना है। ऐसा आप हफ्ते में 3 से 4 बार कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो रोज़ भी लगा सकते हैं, लेकिन आपकी स्किन जो है वो ड्राई हो सकती है, इसलिए जो है आप हफ्ते में 3 या 4 बार इसे लगा सकते हैं। इसे लगाने से आपका चेहरे का रंग जो है वो गोरा हो जाएगा, आपके चेहरे पर जो भी दाग धब्बे हैं वो भी दूर हो जाएंगे। अगला फेस पैक है बेसन का, वो है बेसन में आपको शहद लेना है और नींबू का रस लेना है, वो मिलाकर आपको चेहरे पर लगाना है। 1 चम्मच बेसन लेना है, 1 चम्मच शहद लेना है और आधा चम्मच नींबू का रस लेना है। इनको अच्छी तरीके से मिला लेना है और इसे आपके चेहरे पर लगा लेना है। अगर आपको ये ज़्यादा गाढ़ा लगे तो आप थोड़ा सा उसमें जो है 7-8 बूंदे गुलाब जल की डाल सकती है। इसे आपको अच्छे से मिलाकर चेहरे पर लगा लेना है। इससे जो है आपके चेहरे पर पिंपल्स दूर हो जाएंगे और आपका रंग भी निखरने लगेगा। बेसन में हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नींबू का रस मिला लेना है। ये 3रा फेस पैक मैं अब आपको बता रही हूँ। ऐसे करने से आपकी सन टैनिंग जो है, आपका चेहरा काला पड़ गया है धूप की वजह से, वो दूर हो जाएगा। 1 चम्मच बेसन लेना है, आधे चम्मच से थोड़ा कम हल्दी लेनी है और आधा चम्मच नींबू का रस लेना है। अच्छे से मिला लेना है और उसमें 7-8 बूंदे जो है हमें गुलाब जल की लेनी है। अगर आपके पास गुलाब जल नहीं है तो आप सादा पानी यूज़ कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिलाकर पेस्ट जैसा कर लेना है, जिसे आप चेहरे पर लगा सके। ज़्यादा पतली पेस्ट हमें नहीं करनी है और चेहरे पर लगा लेना है, इससे जो है सन टैनिंग दूर होती है। मैं जो भी ये फेस पैक आपको बता रही हूँ, इसे आपको अच्छे से चेहरे पर सूखने देना है 10 से 15 मिनट तक और फिर चेहरा धो लेना है। और हफ्ते में आप इसे 4 से 5 बार यूज कर सकते हैं। 4था फेस पैक मैं अब आपको बताने वाली हूँ, ये बेसन से आपको बना लेना है। बेसन लेना है 1 चम्मच और उसमें आधा से 1 चम्मच कच्चा दूध मिला लेना है और अच्छे से
मिला लेना है। और अगर आपको लगे कि वो ज़्यादा गाढ़ा हो गया है तो थोड़ा सा और दूध आप उसमें मिला सकते हैं। और इसे अच्छे से चेहरे पर लगा लेना है। इसे चेहरे पर लगाने से आपके चेहरे पर जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो रिमूव हो जाएगा। मतलब अगर आपकी ऑयल स्किन है तो आपके लिए ही बहुत ही अच्छा रहेगा बेसन और कच्चा दूध वाला फेस पैक। ये जो मैं फेस पैक बता रही हूँ, ये लड़के लड़कियाँ दोनों इन फेस पैक को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पांचवा फेस पैक मैं आपको बताने वाली हूँ, ये फेस पैक है हल्दी पाउडर और शहद का फेस पैक। एक चम्मच जो है बेसन लेना है, एक आधा चम्मच से कम हल्दी पाउडर लेनी है और एक से डेढ़ चम्मच हमें शहद लेना है, अच्छे से मिला लेना है। अगर आपको ये ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है तो आप इसमें पानी या फिर गुलाब जल मिला सकते हैं थोड़ा सा पतला करने के लिए, ज़्यादा पतला हमें नहीं करना है। और फिर अच्छे से मिलाकर इसे चेहरे पर लगा लेना है। ऐसे करने से आपको चेहरे पर जो झुर्रियाँ आ रही है, रिंकल्स आ रहे हैं, उससे आपको बचाव होगा। ये जो फेस पैक मैंने आपको बताया है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हम जो भी घर पर हमारी चीज़ें होती है उससे ये फेस पैक हम चेहरे पर लगा सकते हैं। सभी तरह के लोग ये फेस पैक अपने चेहरे पर लगा सकते हैं और आपकी स्किन जो है इसे ग्लो करने लगेगी, आपके रंग निखर जाएगा, दाग धब्बे भी दूर हो जाएंगे, पिंपल्स दूर हो जाएंगे, आपकी टैनिंग वगैरह होगी वो भी चली जाएगी, एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव हो जाएगा, झुर्रियों से भी बचाव होगा। अलग अलग फेस पैक मैंने आपको बताया, इसमें से जो भी फेस पैक आपको पसंद आए वो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा फेस पैक अच्छा लगा। बहुत ही आसान और सरल तरीके से मैंने आज आपको ये फेस पैक बताए हैं। मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप मेरे वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इस तरह से वहाँ पर भी आप मेरे वीडियो शेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बालों को झड़ने से कैसे रोकना चाहिए, शैम्पू का कितना इस्तेमाल करना चाहिए, बालों पर हाथ अगर आप बार बार फेरते हो तो आपको ये नहीं करना चाहिए, कि आपको गर्म पानी से बाल धोने चाहिए या नहीं, आप अपने बालों के लिए एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, बालों को किस तरह से बांधना चाहिए, हफ्ते में कितनी बार बालों में तेल लगाना चाहिए, बालों में तेल लगाने का सही तरीका, और बालों में तेल लगाते वक्त तेल कैसा होना चाहिए, वो भी मैं आज जो है आपको बताने वाली हूँ। तो जो है आप पूरा देखिएगा, पूरा सुनिएगा। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैंने मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे वीडियोज़ डाले हुए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है दोस्तों। तो चलिए जानते हैं बालों के बारे में सभी जानकारी। नारियल तेल बालों पर बहुत अच्छा होता है और ये सभी को सूट करता है। सप्ताह में एक बार जो है, कम से कम एक बार आपको तेल ज़रूर लगाना चाहिए। इससे जो है बाल मोटे और घने बनते हैं। इसके भी उपाय मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। आप दो बार हफ्ते में बालों को तेल लगाइए या फिर कम से कम एक बार तो ज़रूर लगाइए। आपके बाल छोटे हो, बड़े हो, आप स्त्री हो, पुरुष हो, महिला हो, छोटे बच्चे भी हो, तो भी आपको जो है बालों में तेल ज़रूर लगाना है। नारियल तेल को हल्का गुनगुना कर ले और हफ्ते में जो है आपको इसे एक हफ्ते में कम से कम एक बार लगाना है। अगर आप बालों को मोटा और घना बनाना चाहते हैं तो हफ्ते में तीन बार आप इसे लगा सकते हैं, हल्के हाथों से मालिश कर सकते हैं और रात भर आपको जो है इसे बालों में लगा देना है और अगले दिन सुबह फिर आपको शैम्पू से बाल धो लेने हैं। अलसी का तेल भी आप बालों में लगा सकते हैं या फिर जो है अलग अलग तेलों को मिक्स करके भी आप अपने बालों में लगा सकते हैं, जैसे कि दो चम्मच अलसी का तेल, दो चम्मच जैतून का तेल, चार से आठ चम्मच आपको नारियल तेल लेना है और इन सबको अच्छे से मिला लेना है। इसको भी अपने बालों पर आप जो है अच्छे से मालिश कर सकते हैं। रोज़ थोड़ा थोड़ा तेल भी आप लगा सकते हैं। अगर आपको रोज़ तेल नहीं लगाना है तो हफ्ते में दो बार या कम से कम हफ्ते में एक बार तेल ज़रूर लगाइए। आप अगर अंडा खाते हो या अगर अपने बालों में अंडा इस्तेमाल करना चाहते हो तो अंडे में भी अच्छे तरीके से फैट होते हैं जो आप अपने पूरे बालों पर लगा सकते हैं और फिर उसे सूख जाने देना है। अंडे को बालों पर अच्छे से अंडे को फोड़ लेना है और फेंट लेना है। फेंटने के बाद अपने बालों पर लगा लेना है और फिर सूख जाने के बाद हल्के गुनगुने पानी से अपने बाल धो लेने हैं और फिर शैम्पू लगा लेना है। बालों में शैम्पू लगाते वक्त जो है आप जो है माइल्ड शैम्पू का या हर्बल शैम्पू का या आयुर्वेदिक शैम्पू का ही इस्तेमाल करें। अगर आप शीक का या रिठा से, आंवला से बाल धोते हैं तो और भी अच्छा है उसकी पाउडर बनाकर।
और आप जो है बालों में मेहंदी भी लगा सकते हैं। मेहंदी के साथ साथ आप मेहंदी में दही और आंवला चूर्ण मिलाकर 2-3 घंटे उस मेहंदी को भिगो के रखना है और फिर बालों में लगाना है। बालों में लगाने के बाद 3 घंटे आपको बालों में उसे लगाना है और फिर जो है आपको धो लेना है। इससे जो है आपके बाल अच्छे से कंडीशन हो जाएंगे, मुलायम हो जाएंगे और लंबे भी हो जाएंगे। सेहत के लिए और ये घरेलू नुस्खा है, ये आपको बहुत ही कारगर नज़र आएगा। और अगर आपको जो है अपने बालों को झड़ने से रोकना है तो आपको जो है अपने बाल गीले होते हैं तब बालों में कंघी नहीं लगानी। अगर आपके बाल छोटे हो तो भी, अगर आपके बाल लंबे हो तो भी, बालों में ज़्यादा शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है। कोई भी शैम्पू आप जो इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे वो हर्बल शैम्पू ही क्यों ना हर्बल हो या आयुर्वेदिक शैम्पू ही क्यों ना हो, उसका भी ज़्यादा आपको बालों में इस्तेमाल नहीं करना है। अपने बालों पर बार बार हाथ नहीं फेरना है। ज़्यादा गर्म पानी से बाल नहीं धोने हैं, इससे भी बाल झड़ते हैं। हफ्ते में एक बार जो है एलोवेरा जेल अपन बालों में आप लगा सकते हैं। हफ्ते में कम से कम 2 बार या 1 बार बालों में तेल ज़रूर लगाना है। बालों को कसकर नहीं बांधना, इससे बाल टूट जाते हैं। आपको जो है कम से कम हफ्ते में 1 बार तेल लगाना है और 1.5-2 घंटे अच्छे से जो है बालों में तेल रहने के बाद चाहे तो आप जो है बालों को धो सकते हैं। आप जो है बालों में जो तेल है आप किस किस तरह का तेल लगा सकते हैं, नारियल और सरसों का तेल आप लगा सकते हैं, इससे आपके बाल जो है मजबूत होंगे। तिल का तेल आप लगा सकते हैं, इससे उस समय सफ़ेद होने वाले बाल रोके जा सकते हैं। नीम का तेल लगा सकते हैं अगर आपके बालों में जुए हो गई है, रूसी हो गई है, डैंड्रफ हो गया है तो। बादाम का तेल आप लगा सकते हैं, इससे बाल घने होते हैं। और तेल जो है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का गुनगुना होना चाहिए। और बादाम का तेल और जैतून का तेल गर्म करके नहीं लगाते हैं बालों को, तो ये ध्यान रखिएगा। नारियल का तेल आप गर्म करके लगा सकते हैं लेकिन वो हल्का गुरगुरा होना चाहिए। आप जो है सिल्की मालिश आपको कैसे करनी है, बालों में जो है उंगलियां हल्के हाथों से आपको घुमानी है, हल्के हाथों से मालिश करनी है, ज़ोर ज़ोर से हथेली से मालिश नहीं करनी है। तेल लगाने के बाद हल्के गर्म तौलिए को भी आप अपने बालों के आसपास लपेट सकते हैं अगर आप चाहें तो। और बालों को मजबूत करने के लिए तेल लगाना बहुत ज़रूरी है। सिर की त्वचा की मालिश करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। आपको जो है कुछ घरेलू नुस्खे मैं बता देती हूँ जिससे बाल जो है नेचुरली स्ट्रांग बनेंगे और स्ट्रेट और सरल भी बन जाएंगे। अगर आप नेचुरली घर पर अपने बाल स्ट्रेट करना चाहते हो, स्ट्रांग करना चाहते हो, तो आपको 1 कप दूध में 2 चम्मच शहद मिला लेना है और इसे बालों पर लगा लेना है। 2 घंटे तक वैसे ही रहने देना है और फिर बालों को धो लेना है। आप जो है दूसरा और एक जो है उपाय मैं बताती हूँ, वो है नारियल का दूध ले लेना है, इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ना है और फिर बालों पर लगा लेना है। 10-15 मिनट के बाद बाल धो लेने हैं। कोई भी हेयर ऑयल ले ले आप, इसमें बराबर मात्रा में एलोवेरा जेल मिला ले और इसे हल्का सा गर्म करें और फिर बालों पर लगाइए। इससे भी आपके बाल स्ट्रेट हो जाएंगे, मतलब सरल हो जाएंगे अगर आड़े टेढ़े हैं तो। आपको रात को सोने से पहले भी आप जो है हल्के गीले बाल करके चोटी जो है बना सकते हैं और ऐसा करने से आप बालों को कर्ली कर सकते हैं। हरा धनिया पीस ले और इसे निचोड़ कर उसका रस अलग कर ले और धनिया का रस भी आप बालों पर लगा सकते हैं। इससे जो है आपके बाल जो है वो स्ट्रेटन होने लगेंगे, मतलब सरल होने लगेंगे। बहुत ही सरल और आसान उपाय मैंने आज आपको बताया है। अलग अलग तरीके से जो है आप अपने बालों का ख्याल रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, महंगे तेल इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। नारियल का तेल सबको सूट करता है तो आप नारियल का तेल, शुद्ध नारियल का तेल अलग अलग कंपनियों का आता है, उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने जो भी जानकारी बताई वो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए फ़ायदेमंद रही होगी। उम्मीद करती हूँ आज को आपका वीडियो जो है आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको 9 घरेलू आसान उपाय बताने वाली हूँ गोरा होने के लिए। जी हाँ, गोरा होने के लिए घरेलू आसान उपाय नुस्खे मैं आपको बताने वाली हूँ। ये जो है आप घर के किसी भी जो हमारे आसान जो घर पर चीज़ें मिल जाती है उसी में से जो है आप ये उपाय कर सकते हैं। लड़कियाँ दोनों ही ये उपाय कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है वो 9 उपाय। पहले हमें हल्दी और बेसन ले लेना है। 2 चुटकी हल्दी और 1 चम्मच बेसन आपको लेना है। इसमें आप गुलाब पानी या फिर जल मतलब पानी डाल सकते हैं और इसका अच्छे से लेप बनाना है और वो आप लगा सकते हैं। हफ्ते में एक दिन ऐसे छोड़ के जो है आपको इसे लगाना है। आपका रंग धीरे धीरे निखर आएगा।
दूसरा जो उपाय है वो है दही और बेसन का। जी हाँ दोस्तों, हमें जो है 2 चम्मच दही ले लेना है और 1.5 चम्मच बेसन हमें ले लेना है। बेसन मतलब जो है चने का आटा होता है, उसे बेसन कहते हैं। और जो है इसका हमें लेप बना लेना है। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दही गीला ही होता है। अगर आपको लगे तो आप थोड़ा सा 1/2 चम्मच पानी डाल सकते हैं अगर गाढ़ा लेप बन गया है तो। और फिर इसे हमें चने पर लगा लेना है। आप इसे जो है हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं और सभी लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो उपाय है वो है आलू। आलू गुलाब जल इसका पेस्ट आपको बना लेना है। आलू को आपको पीस लेना है। आप चाहे तो आलू को कद्दूकस कर सकते हैं और उसमें जो है गुलाब जल मिला लेना है। इसका अच्छे से पेस्ट बना लेना है, या फिर आप आलू के जो है टुकड़े करके मिक्सी में गुलाब पानी डाल के उसका पेस्ट बना सकते हैं। और चीज आपको चेहरे पर लगाना है, ये भी हफ्ते में आप 3 या 4 बार लगा सकते हैं। इससे जो है धीरे धीरे आपका रंग निखरने लगेगा, आप गोरे दिखने लगोगे। अगला उपाय है वो है शहद, नींबू और ग्लिसरीन का। जी हाँ, ग्लिसरीन जो है वो हमें मेडिकल स्टोर में मिल जाता है। शहद भी हमारे घर में होता है, नहीं है तो छोटी शहद की बोतल भी आती है, वो आप ले सकते हैं। आपको जो है 2 चम्मच शहद लेना है और 1/2 चम्मच नींबू का रस लेना है और 2 चम्मच जो है हमें शहद लेना है और 1/2 चम्मच नींबू का रस लेना है और 2-3 बूंदें ग्लिसरीन की हमें ले लेनी है और अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर इसे चेहरे पर लगाना है। आप इसे रोज़ चेहरे पर लगा सकते हैं। ग्लिसरीन और नींबू से जो है आपका चेहरा बहुत जल्दी निकलेगा। आप इसको रोज़ लगा सकते हैं। पहले आपको चेहरा साफ धो लेना है और फिर इसका इस्तेमाल करना है। हल्के हाथों से मसाज करना है 10-15 मिनट तक और फिर 1/2 घंटे के लिए छोड़ देना है और फिर 1/2 घंटे के बाद साफ पानी से आप धो लीजिएगा। ये जो है उपाय ग्लिसरीन, शहद और नींबू का आप पूरे शरीर पर भी इसे लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इससे जो है आपका पूरा शरीर गोरा होने लगेगा धीरे धीरे। अगला उपाय है हल्दी और मलाई का और इसमें आपको थोड़ा सा गुलाब जल भी डालना है। ये जो है हमें 1/2 चम्मच हल्दी लेनी है, 2 चम्मच मलाई लेनी है। इसको अच्छे से मिला लेना है और फिर इसमें गुलाब जल डालना है। पेस्ट आपको जिस तरह से गाढ़ा चाहिए पतला चाहिए उस हिसाब से आप इसमें गुलाब जल मिला सकते हैं और इसका अच्छे से पेस्ट कर लेना है और आपको चेहरे पर लगाना है। ये उपाय आप हफ्ते में 3 बार कर सकते हैं। इससे भी आपको जो है धीरे धीरे आपकी स्किन जो है ग्लो करने लगेगी। आपकी स्किन अगर ड्राई है तो आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा, लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप जो है यहाँ पर मलाई की जगह दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला उपाय आंवले और पपीते का। ये जो है बहुत ही सरल और आसान उपाय है दोस्तों। इसमें कोई भी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है आंवले का रस बना लेना है या फिर जो है आंवला जो है उसे थोड़ा सा कद्दूकस कर लेना है और इसे चेहरे पर लगा लेना है। पपीता है जो है वो पका हुआ ही होता है, उसे चम्मच की सहायता से आप जो है उसे थोड़ा स्मैश कर लीजिएगा, पेस्ट कर लीजिएगा और चेहरे पर लगाइएगा। इससे भी आपका रंग साफ हो जाएगा। बहुत ही सरल और आसान उपाय है दोस्तों आंवले और पपीते का। दोनों में से कोई भी एक आप लगा सकते हैं। हफ्ते में 3 या 4 बार आपको लगाना है। कुछ देर तक हल्के हाथों से मालिश करनी है चेहरे पर, 1/2 घंटे तक छोड़ देना है चेहरे पर और फिर चेहरा साफ पानी से धो लेना है। अगला उपाय है मुल्तानी मिट्टी का। मुल्तानी मिट्टी में हल्दी, 2-3 चुटकी हल्दी, गुलाब जल और नींबू डालकर अच्छे से पेस्ट बना लेना है। आपको जो है यहाँ पर आप अपने चेहरे के हिसाब से मुल्तानी मिट्टी ले सकते हैं। 1/2 चम्मच, 1 चम्मच, 2 चम्मच आप इसे चेहरे पर और गर्दन पर लगा सकते हैं और लगाकर 10-15 मिनट तक रहने दीजिए और फिर ठंडे पानी से चेहरा धो लीजिए। ये उपाय आप रोज़ भी कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसे हफ्ते में 1 बार कीजिएगा, लेकिन अगर आपकी स्किन नॉर्मल या ऑयली है तो इस उपाय को आप रोज़ाना कर सकते हैं। अगला उपाय है चिरौंजी का। जी हाँ, चिरौंजी के दाने आते हैं, उसका पेस्ट आपको बना लेना है गुलाब जल डाल के मिक्सी में, या फिर जो है आप सिल्वर टेपी पर पीस सकते हैं या फिर जो है कूट सकते हैं। आपको उसमें गुलाब जल डाल के थोड़ा सा पेस्ट बना लेना है 7-8 चिरौंजी का। ये जो है सबसे जल्दी जो है इस चिरौंजी के दाने से जो है आपका रंग निकलने लगेगा, आपका रंग गोरा हो जाएगा। ये बहुत ही सरल और आसान 9 उपाय मैंने आपको बता दिए हैं जिससे जो है आपका रंग निकलने में आसानी होगी। और ये उपाय जो है लड़कियाँ दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में जो भी खाने पीने की चीज़ें उससे जो है ये उपाय मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो 1 लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको जो है नेचुरल फेस टिप्स देने वाली हूँ और ये जो है लड़कियाँ दोनों इस फेशियल टिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो नेचुरल तरीके से आपकी स्किन का ध्यान रखेंगे, आपके चेहरे का ध्यान रखेंगे, ऐसे ही टिप्स है दोस्तों। घर पर मिलने वाली आसान चीज़ों के साथ ही आप ये जो है नेचुरल टिप्स जो है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए जानते हैं क्या है वो टिप्स।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैंने मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं, आप उसे भी देख सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है दोस्तों। तो चलिए जानते हैं क्या है वो टिप। सबसे पहले जो है गुलाब जल, मतलब गुलाब पानी, इसे रोज़ाना चेहरा साफ करना चाहिए। इससे जो है आपको चेहरे पर कभी कभी छोटे छोटे दाने नहीं होंगे, मतलब छोटी छोटी जो है पिंपल्स आपके चेहरे पर नहीं होंगे। एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल में 2 चम्मच ऑलिव ऑयल आप मिलाकर बालों में लगाने से आपके बाल लंबे और चमकदार होंगे और आपका इससे जो है बालों का झड़ना भी रुक जाएगा दोस्तों। विटामिन ई, विटामिन ई एक नेचुरल सनस्क्रीन होता है। इसे जो है विटामिन ई जिन चीज़ों में होता है, जैसे कि एलोवेरा जेल में भी विटामिन ई होता है, तो इसे दिन में एक बार आपको अपनी स्किन पर, हाथों पर, पैरों पर, चेहरे पर ज़रूर लगाना चाहिए दोस्तों। अगला जो उपाय है, अगली जो टिप्स है वो दोस्तों वो है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी में दही मिलाकर चेहरे पर लगाने से धूप से अगर चेहरा काला हो गया है, टैनिंग हो गई है, तो वो कुछ ही मिनटों में ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। तो इस तरह से दही और मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक तैयार करना है आपको, उसे चेहरे पर लगाना है और कुछ मिनट तक चेहरे पर रहने देना है और फिर धो लेना है। इससे जो है आपकी स्किन पर जो टैनिंग हो गई है चेहरे पर, हाथों पर, वो भी दूर हो जाएगी दोस्तों। टॉवल, टॉवल को हल्के गर्म पानी से भिगोकर अपने चेहरे पर 10-15 मिनट तक रखना है दोस्तों। ऐसा करने से ब्लैक हेड, वाइट हेड निकल जाते हैं और चेहरे के अंदर तक सफाई होती है। इसे स्टीम देना कहते हैं दोस्तों। अंगूर, अंगूर मतलब जो है ये एक नेचुरल सीरम होता है। अंगूर का रस चेहरे पर लगाने से चेहरे पर ग्लो आ जाता है दोस्तों। जी हाँ, ये बहुत ही नेचुरल सीरम की तरह आपकी स्किन में काम करता है। महंगे महंगे नेचुरल सीरम मार्केट में अवेलेबल है दोस्तों, लेकिन आप अंगूर जो है, अंगूर का रस जो है, अंगूर हाथों से मसल कर उसका चेहरे पर लिप लगाएंगे दोस्तों, तो भी आपके चेहरे पर ग्लो आ जाएगा दोस्तों। अगर हाथों पर, हाथों की कोहनी या फिर आपके पैरों पर जो घुटने हैं वो काले हो गए हैं, गर्दन काली हो गई है, अंडर आर्म्स काले हो गए हैं, तो ये कालापन दूर करने के लिए जो दोस्तों आपको 1 चम्मच दही लेना है, 1 चम्मच नींबू का रस लेना है दोस्तों, और इसे अच्छे से मिला लेना है और जो है जहाँ पर कालापन है वहाँ पर अच्छे से मसाज करना है दोस्तों 3-4 मिनट तक, और फिर जो है आपका कालापन उतर जाएगा दोस्तों। ये देखिए बहुत ही सरल और आसान टिप्स मैंने आपको दिए हैं नेचुरल तरीके से। आप घर पर जो आपकी चीज़ें आसानी से उपलब्ध है, उन चीज़ों से जो है आप जो है ये नेचुरल तरीके से अपनी ब्यूटी को निखार सकते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको चेहरे पर दही लगाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं ये बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैंने मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं, आप उसे भी देख सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है दोस्तों। तो चलिए हमें जो है दही के क्या क्या फ़ायदे हैं चेहरे पर लगाने के, ये मैं आपको बताऊँगी। दही जो है आप अपने चेहरे पर या फिर पूरे बॉडी पर भी दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो है आपका रंग साफ़ हो जाएगा, जी हाँ, चेहरे पर ग्लो आ जाएगा, कील मुहासों से छुटकारा मिल जाएगा और आपकी स्किन पर जो भी डेड स्किन होगी, मृत त्वचा होगी, वो भी हट जाएगी। आपके रोम छिद्रे जो होते हैं, मतलब पोर्स जो होते हैं, वो टाइट रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके ओपन पोर जो है वो भी टाइट हो जाएंगे, मतलब वो छोटे हो जाएंगे। इन्हें रोम छिद्रे भी कहते हैं, वो टाइट हो जाएंगे, मतलब जो है आपकी स्किन में एक्सेस ऑयल होता होगा। आपकी स्किन ऑयली होगी तो आपको ज़रूर दही से जो है मालिश अपने चेहरे पर करनी है। अब इस मालिश को कैसे करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ा सा दही ले लेना है, 1.5 से 2 चम्मच, और फिर जो है 5-6 मिनट तक हल्के हाथों से अपने चेहरे पर, गर्दन पर इसको मसाज करना है। आप चाहे तो पूरे शरीर पर भी दही का मसाज कर सकते हैं। 5 से 6 मिनट तक आपको हल्के हाथों से चेहरे पर और गर्दन पर दही को मसाज करना है और फिर 10 मिनट बाद पानी से धो लेना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करेंगे आप तो जो है धीरे धीरे आपके चेहरा, आपका रंग साफ़ हो जाएगा, आपके चेहरे पर ग्लो आ जाएगा, कील मुहासें भी हट जाएंगे, डेड स्किन भी हट जाएगी और आपकी ओपन पोर जो है वो भी टाइट हो जाएंगे, मतलब ओपन पोर जो है वो बंद हो जाएंगे। आप जो चाहे, आप तो अगर चाहते हैं तो दही के साथ आप दही और शहद मिला सकते हैं, दही और जो है गुलाब पानी आप ले सकते हैं, दही और मुल्तानी मिट्टी का भी आप लेप चेहरे पर लगा सकते हैं। लेकिन सिर्फ दही का भी इस्तेमाल करेंगे तो भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।